फिर आएंगे यहाँ पे वेल्डर्स, आपको मेरी बात को गौर से सुनना है, यहाँ पर आएंगे वेल्डर्स। वेल्डर्स दो काम करेंगे, पहला काम क्या कि देखो इस पर्टिकुलर कॉपी को इस कॉपी से जोड़ना है तो यहाँ पे वेल्डिंग होनी चाहिए। ये वेल्डिंग करवाने के जो एंजाइम आते हैं उनका नाम होता है लाइगेसेस, लाइगेसेस जोड़ने वाले। लाइगेशन क्या होता है? गिरा लगाना, लाइगेस गिरा लगाने वाले। लेकिन उससे पहले करना पड़ेगा हमें कुछ एक्सीजन, मींस गलत पीस को काट के निकालने वाले एंजाइम्स भी चाहिए हैं। और ये वाले एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं कि ये इस आरएनए के पीस को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम इस आरएनए के पीस, ये आरएनए का पीस कहां से आया? एक्सीलेंट, ये बेसिकली प्राइमर था जिसके ऊपर आके डीएनए पॉलीमरेज सीरीज अटैच होना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से ये आरएनए के पीस को निकालना पड़ेगा। तो आरएनए के पीस को हम निकालेंगे, उसी जगह पे दोबारा से डीएनए वाली डोरेज लगाएंगे और फिर उनको आपस में जोड़ के लंबी सी चेन बना देंगे। ये सारे काम कौन करेंगे? जाहिर है मेरे पास लाइगेसेस। जब लाइगेसेस ये वाला काम कर चुकेंगे तो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं दोबारा क्या हेलिकेसेस, वो इस डीएनए को दोबारा से कॉइल करते चले जाएंगे। आए हम इन सारी बातों को एक मिनट के दो मिनट में दोबारा समराइज करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले मेरे मुझे चाहिए क्या? डीएनए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को खोलूंगा और खोलने के बाद उसमें से हिस्टोन्स को सेपरेट कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा डीएनए। मैं इस डीएनए मॉलिक्यूल को अनकॉइल करूंगा, यहां तक मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज समथिंग लाइक अ लैडर, एक पौड़ी की तरह से बन जाता है, वो आ जाएगा। फिर आएंगे मेरे पास एंडोन्यूक्लियसेस जो इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को खोल के इसके दो सेपरेट क्या बना देंगे, पीएनसीज मीन पॉलीन्यूक्लियर चेन बना देंगे, जिसमें से एक होगी 3:5 और एक होगी 5:3। याद रखिए जिस चेन की डायरेक्शन 3:5 है उसकी कॉपी 5:3 एंड में होगी, तो वहां पे 3 एंड हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो उसकी कॉपी कंटीन्यूअस वे में होगी। लेकिन जो इसका दूसरा स्ट्रैंड था, मींस जिसकी डायरेक्शन 5:3 थी, उसमें डीएनए के खुलने की डायरेक्शन और न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा यहां पे डीएनए की कॉपी कंटीन्यूअस नहीं हो सकती। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने इस लैगिंग स्ट्रैंड की कॉपी बनाने के लिए प्राइमर्स को बार-बार डिजाइन किया और उसे डीएनए में डिफरेंट जगहों पर लगाया और उस पर्टिकुलर प्राइमर के ऊपर आके अटैच हुआ डीएनए पॉलीमरेज 3 और उस पॉलीमरेज 3 ने रेप्लिकेशन 4 के ऑपोजिट वे में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए और बनाए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, बिकॉज़ इसे ओकाजाकी डिस्कवर किया था। जब ये फ्रेगमेंट्स बन गए तो अब इसके दरमियान अभी क्या है, फ्लॉज है। पहला फ्लॉ मेरे पास क्या है कि यहां पे अभी प्राइमर्स के आरएनए वाले प्रेजेंट है, तो हमने उस प्राइमर के आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड को यहां से निकालना है, एक्साइज करना है, रिमूव कर देना है। सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे और वहां पे हम रिप्लेस करेंगे नॉर्मल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। जब ये वाला काम हो जाएगा तो फिर वहां पे आएंगे लाइगेसेस, वो इनको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोबारा से यहां पे आ जाएंगे हेलिकेसेस जो इनको दोबारा से बंद कर देंगे। इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर 1 or 2 minute मूवी को देखें, आपके साथ मैं भी गौर से देखता हूं कि यहां नेचर ये सारे काम कैसे कर रही है। तो माय स्टूडेंट्स, जब तक आप इस मूवी को देख रहे हैं, इसमें होने वाले इवेंट्स को देख रहे हैं, तब तक मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से चाहूं इजाजत इस दुआ के साथ कि आप इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझने में कामयाब हो और आप जब वही बातें दुआ करें तो हमारी भी दुआ करें और अपने पेरेंट्स को अपना बहुत ख्याल रखें। आई वांट टू से यू, अल्लाह हाफिज़।